3, 2, 1 आप बोलो। बस बाइक ही चलाना, खाना नहीं सही से। भैया आपने चीटिंग की है, पता क्या चीटिंग? मैं बताऊं, इसके वाला मीठे थे, हमारे ना तीखे वाले थे। आप दोनों ना फ्रेंडशिप कर लो, आप दोनों अच्छे लगोगे साथ में। ड्रेसिंग सेंस भी सेम है दोनों का, सच में बोल रहा हूँ। जीनत और श्वेता मना। व्लॉगर्स बहुत कम हो गए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कोई गिने चुने, मतलब जो अभी चल रहे हैं ना, तो मेरा फ्रेंड तो कोई है ही नहीं। और कुछ बेचारे जो इस दुनिया से चले गए, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन सुबह शाम तो जम्मू में भी जागरी की जरूरत पड़ती है। वैसी बात नहीं, तुम हमेशा हॉट रहते हो। यार आज का व्लॉग जो है ना, 2:30 बजे हम शूट कर रहे हैं। भाई आज बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं था ऐसा ना वीडियो शूट करने का, कॉज कुछ अजीब सा मूड हो रखा है। मतलब बड़ी सारी बातें हैं, सारी बताता हूँ बाइक पे। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, कॉज मेरे स्कैल्प में ना इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हेलमेट है ना भाई, हेलमेट में 24 घंटे लगा के बाहर चलता हूँ तो पूरे ना बाल खराब हो जाते हैं। अभी अपनी रे लगी है यहाँ पे। आज मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी लेके जाऊँगा व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन बात यह है कि अपनी दोनों कार्स ना यहाँ से चली गई हुई हैं। मम्मा भी स्कूल, पापा भी स्कूल, तो इट्स ओके। लेके चलते हैं अपनी रे को। और बहुत सारे लोग आज से भी कमेंट करके बोलते थे कि भाई आप लोअर सीसी की बाइक ले लो। तो भाई मैंने वुल्फ वाले भाई से बात की थी, उनको बोला था मैंने कि बाइक आपको देनी है वुल्फ या नहीं, बट वो बंदा मेरे से भी ज़्यादा प्यार करता है उस बाइक के साथ, मतलब देने में राज़ी नहीं है। कह रहा है कि नहीं यार मेरे को मिरर लगवाने, मेरे को ये, मैं तो सोच रहा हूँ ये मॉडिफाई करूँ। सेकेंड हैंड ऑप्शन तो है, बट आपको पता सेकेंड हैंड चीज़ें ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। 1, 2 एंड 3 बीबी किलर लगा के कोल्ड स्टार्ट। थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन आज इसकी सर्विस भी करवाने जाऊंगा आई थिंक, मेरे को लग रहा है। कॉज आपको पता है ये 13,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, तो ना थर्ड सर्विस इसकी आती है भाई 12,000 रुपये। मैंने 1,000 एक्स्ट्रा चला लिया। सर्विस कॉस्ट जो है इसकी थर्ड सर्विस है, ऑयल क्लीन, ऑयल सारी चीज़ें, ऑयल ही भाई 6,000 का आता है। मान लो कि 10,000 के अंडर हो जाएगी। अभी भाई तुम्हारे ने सोचा इस ट्रैफिक के बीच में यहाँ रुक के ना आप लोगों के साथ बात करूँ और आपको बताऊँ कि भाई तुम्हारे का मूड ऑफ क्यों है। सीन ये है कि यार आज सुबह सुबह श्वेता के साथ ना छोटा झगड़ा सा हो गया, छोटा भी नहीं, मतलब मैं हमेशा उसको बोलता हूँ व्लॉग अगर तुझे बनाना होता है तो टाइमिंग रख। मान लो कि जैसे निकलना घर से 11:30 या 10 बजे निकला करेंगे, फिर हमें ना बाहर घूमने का भी मौका मिलेगा। कॉज मैं जम्मू में व्लॉग बना बना के तंग आया हूँ, लेकिन वो हमेशा ना यार लेट कर देती है। अभी देखो शाम के भाई 3:40 बज रहे हैं, तो भाई वो बोल रही है मैं आ रही हूँ, तो फिर मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं भी थोड़ा भड़क गया उस पर और वो भी, उसने भी गुस्सा वगैरह की, गाली गलूच हुई, तो फिर इसीलिए भाई आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था। लेकिन फिर मेरे को ना वो निकल गई हुई थी घर से, कह रही कि मैं निकल गई हूँ घर से अब, तो फिर मैंने बोला चलो निकल गई है तो फिर कोई बात नहीं। अभी ऐसे आया कि भाई यहाँ से हम जा रहे हैं पहले गांधीनगर, तो वहाँ से ना मुझे अपने छोटे भाई के लिए शूज़ लेना है, स्कूल वाला नहीं होता, ब्लैक कलर वाला। मान लो अगर हमें डेली वीडियोज़ बनानी है इसका, अगर बहुत दूर है तो वो निकलती है भाई 3 बजे घर से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, वो गलत है, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है उसका कॉल आ गया श्वेता का, और वो इसी का। कहाँ पे हो? वहाँ क्यों? सो गए थे ना बस में, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, सो गए थे? तुम बड़ा बोल रहे हो, घर वापस चलेगा। तो फिर मैंने जब बोला था तुम्हें कि यार मैं कितने बजे आने के लिए बोलता हूँ देरी, बताओ आप। रात को बोल के रखा मैंने कि हमने घूमने के लिए जाना है, पर मैंने तुम्हें बोला कि अगर से जम्मू से अगर बाहर घूमने के लिए जाना होता है तो पहले प्लान बनाना पड़ता है 10 बजे से पहले। वो मुझे पता था, तुम मैं नाम नहीं चढ़ा रही हो तो मेरी गलती भी है, खुद 10 बजे उठी। वही होता है ना, थोड़ा अपसेट होता है मूड यार। आपको पता है पहले व्लॉगर्स बहुत कम हो गए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कोई गिने चुने, मतलब जो अभी चल रहे हैं ना वही चल रहे हैं, बाकी उन्हें छोड़ दिया व्लॉगिंग। तो मेरा फ्रेंड तो कोई है ही नहीं, और कुछ बेचारे जो इस दुनिया से चले गए, तो ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन सोलो में रह रहा हूँ, और जितना मैंने नोटिस किया कि अगर आप अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, आपको ज़िंदगी में ना किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और आज के ज़माने में कोई आपका साथ देगा ना, तो वो साथ किसी मतलब के लिए देगा, वो आपको ना आपका सगा बन के नहीं साथ देगा आपका। तो इसलिए यार अगर तुम अकेला रहना सीख लोगे, मतलब आपने ज़िंदगी में जीने का सलीका सीख लिया भाई। BMW E350 भाई कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है भाई, ओल्ड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा न्यू कार्स आई हुई हैं, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस भी हैं और कंफर्टेबल भी हैं। ये देखो अपने जम्मू की रोड्स की हालत देख रहे हैं, चाहिए कितने कितने खड्डे हैं, पता नहीं यार क्या है अपना यार, कब हमारा थोड़ा रोड कब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी खुशी होगी मेरे को NH44 कब कंप्लीट हो जाएगा, देखना बैक फायर सुना। वाले जॉब वगैरह करते तो उनके पास ना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लेके आऊँगा गांधीनगर में, अच्छा शूज़ मिल जाएगा बाटा का भाई।
यहाँ पे देखो वॉच कल भी आपको दिखाई थी वीडियो में, तो एक बंदे से मिलवाऊंगा ठीक है। हाँ दिख गई, सीधा बताना डोसा खाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। हाँ तो वही बोलना था, बोल क्या रही है कि गाड़ी में नींद पड़ गई मुझे, ऐसा होता कभी? ऐसे ही खा तो रही हो डोसा, क्या खाना और? ठंडा है तो दे दो ना इनको ठंडा। यार क्या बात करते हो यार, पियो ठंडा, आंटी के मजे के साथ खाएगी, क्या बात करते हो यार। रुको मैं देता हूँ, वो पेप्सी दे दो ठंडी, चिल्ड देना, ये लो छोटे बच्चे को दे दो। पीता है, पीता कोल्ड ड्रिंक? कहाँ जाना है आज? आज जाना था जहाँ पे बोला हुआ था व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन तुम लोग जो हो जागते लेट हो। बस में सोने वाली, वापस आते वहाँ पे भी सोने वाले, जब यहाँ आए तब भी सोई थी। कहाँ सोई थी, अंदर बैठी थी आंखों पे। तू टैबलेट वैबलेट तो नहीं खाती नींद की? कोई यार दिन में नींद आती है, रात को नींद आती है? रात को नहीं आती है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे अभी? अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे शूज लेने के लिए, बाटा में चलते हैं, छोटे भाई के लिए लेना है। आ जाओ, नहीं होंगी ये, सेट हो गए, सेट हो गए। देखो तुम्हारे लिए साफ कर दी, क्या बात करते हो, तुम्हारे लिए यार क्या बात। और कितनी करो अब आप कितना कर, बताओ ना मेरी जींस के साथ साफ हो जाएगा। बस हो गई, अब नहीं निकल, ये निकलेगा ही नहीं इसे पता है, ये नहीं, अब ये देखो निकल रहा है, बोलो नहीं ना निकल रहा, ये भी रह गया, ये लो। अगर साफ कर रहा हूँ ना, तुम डिजर्व अगर करते हो ये, तो फिर उस तरह से रहना भी है तुम्हें। अगली बार साफ नहीं करूंगा, अगली बार साफ करवाऊंगा फिर। फाइनली हम पहुंच चुके बाटा शोरूम, 8 नंबर देना वो ठीक है। हाँ हाँ ब्लैक, ब्लैक लिबर्टी आता था पहले शूज ना, लिबर्टी नॉर्मल वो फट जाते थे कुछ टाइम के बाद ना, अंगूठे के सामने से ऐसे। लिबर्टी का मेरे पास बैग भी बड़ा, तुमने देखा ना वो अभी तक नहीं फटा ना, खराब हुआ वो पता। हम खेलते क्रिकेट खेलते थे ना, मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में था, पीएचजी में। बाटा के शूज मेरी दादी लेके देती थी पता, जब भी उसने लेके देना। बहुत प्रीमियम ब्रांड है, बोला तो वो किसी और को बताएगा, इनको थोड़ा ना बताया तुमने, तुम जल्दी रिएक्ट करते हो, दूसरी बार भी बता दोगे तो क्या हो जाएगा। सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो भैया को, बोल दो क्यों बोलो सॉरी। लेदर में सॉरी उस चीज के लिए, वो कोई बात नहीं। श्वेता बोलती है कि यार सॉरी बोलो भाई को, आप जल्दी रिएक्ट करते हो। ये देखो यहाँ पे सामने मिरर लगा हुआ कितना प्यारा, ये देखो भाई क्या बात है, सही लग रहा है ये देख। तुम्हारे कुर्ते के धागे कितने अच्छे लग रहे हैं। 3 मंथ्स की अच्छा, ये भी सिर्फ थी 3 मंथ की वारंटी, बट देखो बाटा का 2 साल की हमको दे देते हैं। ये देख लो हमारी पेमेंट हो रही है, और श्वेता ने वहाँ से ना क्या कर रहे हो, कितने की है ये, तो है तुम्हारे पास घर पे इस तरह की, कितने की है? ये दुल्हन वगैरह पहनती है ऐसी हील्स, क्या बात कर रहे हो तुम्हारी फिर बाटा में मिलेगा ही नहीं तुम्हारे टाइप का, तुम चलो यहाँ से, तुम्हारे टाइप के कपड़े यहाँ पे नहीं है तुम्हारे टाइप। क्या हुआ, तुम कमाओगे मैं कमाऊंगा, मेरे को लूटोगे बाद में? हाउ डेयर यू कि आप मेरे को लूटोगे, हाउ डेयर यू, कैसे लूटोगे, क्यों तुम कमाओ, मैं तुम्हें लूटूंगा। तुम लड़की हमेशा लड़कों के पैसों पे रहती हो ना, ये सोचा कभी के? ये चीज कभी सोची कि कभी मैं कमाऊंगी, मैं इसको शॉपिंग करवाऊंगी, कब सोची? जब कमाऊंगी तब। इसको डाल दें पीछे बैग में, आएगा क्यों, लेकिन हेलमेट बड़ा टाइट होता ना, मेरे को यार बड़ा प्रॉब्लम हो रही है हेयर्स में यार, मैं सोच रहा हूँ ना। मेरा भाई पता कितना घर जाके बोल रहा था कि वो पता नहीं कैसे पहनते हैं ये हेलमेट, वही तो बोल रहा हूँ दे दो चाबी अब तो, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज ऐसा हो गया हूँ। तो गाइज रिसेंटली आई हैव अपलोडेड अ रील जिसमें आपको पता हमारी Z900 ना हिट हो गई थी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जिस रील में गालियाँ पड़े आपको, ये समझ लो कि ये रील जो है वायरल होने वाली है, ऐसे ही लोग है यार कुछ। हाँ भाई जब श्वेता वो चलेगी नहीं, तो अभी हम पहुंचते हैं यहाँ से पिट स्टॉप के लिए, वहाँ करवाएंगे सर्विस से, देखना विदाउट हेलमेट यार कितना तेज गया है इस गली से। गाइस गेस व्हाट हमें कौन मिला है, हमें मिली है जीनत व्लॉग, ये देख लो ठीक है। तो आज हमने ना यहाँ पे गोलगप्पा चैलेंज रखा हुआ है, ये रही श्वेता, तीनों करेंगे ना, क्यों तीनों करेंगे, एक ही प्लेट होगी, लड़कियाँ खाती हाँ, रैंडम है, रैंडम एकदम से रैंडम होने वाला है ठीक है। अपनी बाइक यहाँ पे साइड लगा दी हुई है, पहले गोलगप्पे खाएंगे,
जो देखेंगे मुझे लगता है लड़कियां जीतेंगी इन दोनों में से। देख श्वेता, तुझे तुझे फ्रैंक फ्रैंक होना पड़ेगा ना, अभी फ्रैंक होना। तो मुझे भी लगी है, मुझे भी लगी देखेंगे मेरे मुंह में कितने लगेंगे। गांधीनगर में खाया। चैलेंज हार जाओगे मतलब? मेरा पेट फूल ऑलरेडी। तुम पहले हार मारनी। अरे मैं खा के आई तो तुम बात तुम खाओगे नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे लिए ये टीम, ये टीम है, ये मेरी और जीत की, तुम बाहर। ये छह है ठीक है, आर यू रेडी? बोलो अगर चैलेंज से बाहर हो जाना पहले ही हो जाओ। क्या तो सामने आओगे? ये पांच पांच मतलब कि हम तीन प्लेट्स रखेंगे सामने। अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि तो पांच सब अपनी अपनी प्लेट से खाएंगे ना। हाँ ठीक है, ये तो ज्यादा बेटर है। आप दोनों ना फ्रेंडशिप कर लो, आप दोनों अच्छे लगोगे साथ में। ड्रेसिंग सेंस भी सेम सेम है दोनों का, अच्छे लगोगे। सच में बोल रहा हूँ, जीनत और श्वेता मनास। हाँ नहीं नहीं दोनों अच्छे हो, आप दोनों फ्रेंडशिप अच्छे लगोगे। जम्मू में थोड़ा यूनिक चीज है कि ऐसे ना दोनों स्पेशल। चलो भैया आप हमारा कैमरा पकड़ना, तो 3 2 1 आप बोलो। 3 2 1 स्टार्ट। बस बाइक ही चलाना, खाना नहीं सही से। टीका था ना बहुत ज्यादा। आपने आपने क्या था ना, मैं बताता हूँ आपको, आपको आदत है। इतनी भी आदत नहीं, रोज इतनी थोड़ी होती हूँ मैं। हाँ जीनत जीत गई, जीनत है भी ना। और आपने हंसाया, मैंने कब का खा लिया था, बहुत हंसाया आपने। आते देखो तुम तो 5 भी नहीं खा पाए हो। पहले बोल मेरा ऑर्डर ही एक भरा हुआ है भैया। आपने चीटिंग की है, पता है क्या चीटिंग, मैं बताऊं? इसके वाला मीठे थे, हमारे ना तीखे वाले थे। नहीं है तीखे यार, तुम्हारे भी लगे, मेरे को नहीं लगे। आप तो खाएंगे प्यार से, लेकिन स्कूटी है, इसको भी सिखाओ ना स्कूटी चलाना। आती तो है, ये आती है बट ये यहाँ पे सिटी में नहीं चलाती। रोड पे नहीं ना चलानी आती, ये वाला जो मेन है ना यहाँ पे ट्रैफिक में नहीं आती। हाँ मतलब ट्रैफिक में नहीं आती, हाँ ये चीज बेटर है। गोलगप्पे खा के निकल गए हम यहाँ से भाई, काफी ज्यादा मजा आया और ऐसे रिफ्रेशिंग सा फील होता। मैंने बहुत बार ऐसा, तू हमेशा हारती है बस हर जगह, तुझे पता है मैंने बड़ी कोशिश की थी जीतने की, लेकिन बात ऐसी हुई ना मेरे को लगा कि वॉमिट हो जाएगा यार, इसलिए मैं चीज़ नहीं करूँगा। ठीक है मैंने आस्ता आस्ता खाया, अब मैं जानबूझ के बोल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? नमस्ते, ठीक हो भैया? सुबह शाम तो जम्मू में भी जैकेट की जरूरत पड़ती है, वैसी बात नहीं। तुम हमेशा हॉट रहते हो। श्वेता मनास है, बड़ी भ्रमणा की बात मान। चेक द बॉक्स।